दोस्तों वैसे तो एलईडी बल्ब में कई तरह के फॉल्ट आते हैं और उसमें का एक फॉल्ट है एलईडी बल्ब के सर्किट का शॉर्ट हो जाना। तो दोस्तों अगर आपका एलईडी बल्ब का सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो आपको कैसे पता करना है और कौन से कंपोनेंट के खराब हो जाने पर आपका एलईडी बल्ब शॉर्ट हो जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें झट से, हर तरह के रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहे डट के, क्योंकि हमारा रिपेयर करने का अंदाज होता है जरा हट के। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों यह 9 वाट का एलईडी बल्ब का सर्किट है जिसको हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो सर्किट है वह शॉर्ट है, उसे आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि अगर आपका एलईडी बल्ब का सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो आपको किस प्रकार से पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पर इसका जो सर्किट का जो सप्लाई पॉइंट है वहाँ पर हम एक वायर जोड़ेंगे। तो दोस्तों हम इस प्रकार का टू पिन लगा हुआ एक छोटा सा वायर ले लेंगे और इसके दोनों वायर को दोस्तों सर्किट का जो सप्लाई वाला जो पॉइंट है वहाँ पर हम इसे सोल्डिंग कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों टेस्ट करके दिखाने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आप कभी भी एलईडी बल्ब का रिपेयर करें तो आप हमेशा स्विच बोर्ड का ही यूज करें, क्योंकि दोस्तों आपका जो एलईडी बल्ब अगर शॉर्ट रहेगा तो आपका जो एलईडी बल्ब का सर्किट होता है वह शॉर्ट होने से बच जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर स्विच बोर्ड का यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्विच बोर्ड है वह एक तरफ हमारा सीधा बल्ब चलता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रहा है और दूसरी तरफ हमारा स्विच बोर्ड वर्क करता है। अगर आप इस प्रकार का स्विच बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में ये वाला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसका जो वायर है उसको सप्लाई देकर देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा स्विच बोर्ड का जो बल्ब है वह ग्लो कर रहा है और हमारा जो एलईडी बल्ब का जो सर्किट है उसका जो लाइट है वह नहीं जल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा जैसे हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा बल्ब जल रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो एलईडी बल्ब का सर्किट है वह शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्किट होता है वहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है, वह आपका खराब हो सकता है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एमओवी लगा हुआ है, यह एमओवी शॉर्ट हो सकता है या खराब हो सकता है, जिस कारण से आपका जो स्विच बोर्ड में चेक करें तो बल्ब ग्लो कर रहा है। और उसके अलावा दोस्तों इसका आईसी भी शॉर्ट या खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से ये तीन चीजें हैं मुख्य जिसको आपको चेक करना होता है, यहीं पर अधिकतर ही शॉर्ट होने का प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वहां पर आप देख सकते हैं जो सप्लाई वायर सीधे आपका ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है तो उसको आपको चेक कर लेना है। तो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना है और उसे कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर देना है। तो आपको चेक कैसे करना है, जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है आप देख सकते हैं नीचे में दो लेग है और उसके ऊपर में दो लेग है। तो आपको सबसे पहले इस ब्रिज रेक्टिफायर के नीचे वाले जो दोनों लेग है वहां पर आपको दोनों प्रॉप को रखना है, इसमें आपको कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए अगर आपका ब्रिज रेक्टिफायर खराब नहीं है। तो सबसे पहले हम इस ब्रिज रेक्टिफायर के नीचे वाले लेग पर देखते हैं तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रिज रेक्टिफायर के आगे वाले जो दो लेग है वहां पर देखेंगे तो इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है। अगर दोस्तों इसमें शॉर्ट रहेगा तो इसमें बीप की आवाजें आएगा। अब हम इसमें प्रॉप को चेंज कर देते हैं और देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों तरफ कंटिन्यूटी बताना चाहिए, मगर दोस्तों इसमें शॉर्ट की जिसमें बीप की आवाज नहीं आना चाहिए, अगर इसमें शॉर्ट रहेगा तो इसमें बीप की आवाज ही आएगा। तो दोस्तों हमने इसे चेक किया, इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वह सही है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो एमओवी लगा हुआ है उसे आपको चेक करना था। दोस्तों चेक करने के लिए आपको इस एमओवी को बाहर निकालना होगा, अगर हम इसे बिना बाहर निकाले चेक करेंगे तो इसमें कंटिन्यूटी बताएगा तो हमें समझ नहीं आएगा कि इसका कंटिन्यूटी बता रहा है। तो आपको इस प्रकार से इस एमओवी को बाहर निकाल लेना है और इसमें चेक करना है। दोस्तों आपको ध्यान रहे कि इसमें किसी भी प्रकार का कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए अगर आपका एमओवी खराब नहीं है तो। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है। अब हम इसको पलटी करके चेक कर लेते हैं इस प्रकार से, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस एमओवी में दोनों तरफ कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि हमारा जो एलईडी बल्ब का जो सर्किट में एमओवी लगा हुआ था वह शॉर्ट हो चुका है या खराब हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा एलईडी बल्ब का जो सर्किट शॉर्ट हो चुका था उसका फॉल्ट मिल चुका है। अगर आपका एलईडी बल्ब का एमओवी शॉर्ट नहीं है तो इसके अलावा दोस्तों आपका
ये वाला आईसी खराब हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपका ये वाला आईसी खराब हो जाता है तो आपको सप्लाई देकर इस आईसी के लेग को शॉर्ट करना होता है। तो दोस्तों इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें बिना आईसी के ही आपको एलईडी बल्ब का रिपेयर करके दिखाया है। आप चाहे तो आपको आई बटन में उसका वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके अलावा आपका जो कभी कभी जो कैपेसिटर रहता है उसको भी आपको चेक कर लेना है। अगर शॉर्ट रहेगा तो या इसमें बीप की आवाज़ें आएगा, अगर कंट्रोली बताएगा तो या शॉर्ट नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस हमारे पास पुराने सर्किट है एलईडी बल्ब का, उसमें का हम एक एमओवी निकालेंगे जिसको हम इस शॉर्ट वाली एलईडी बल्ब है उसमें लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर इस एमओवी को निकाल लिया है। अब दोस्तों लगाने से पहले हमें इसे चेक करना होगा, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कंट्रोली नहीं बता रहा है। अब हम इसे पलटी करके चेक करते हैं इस प्रकार से, तो इस पार भी आपका कंट्रोली नहीं बता रहा, यानी कि दोस्तों ये जो एमओवी है वह सही है। तो हम क्या करेंगे, इस एमओवी को जो हमने खराब वाले एमओवी निकाले थे उसके जगह पे यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों हम इसे सोल्डिंग आयर की मदद से यहाँ पर लगा दिया है। अब आपको इसका टेस्ट करके दिखाएंगे अपने सीरीज बोर्ड में। तो दोस्तों हमने इस पे प्लग को लगा दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एलईडी बल्ब है हमारा ग्लो कर रहा है और हमारा सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है दोस्तों वह नहीं जल रहा है, यानी कि दोस्तों इसका शॉर्ट प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके इलेक्ट्रिकल से जुड़े और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।